अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं उसामा राजपूत यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए ले आया हूँ एक और नेमट वीडियो स्टेटस। तो यहाँ पे किस मैं आपको एक डेमो प्ले करके दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने डेमो वीडियो में देखा, एक हार्ट बीट वाला गाइस यूं सा नेमट वीडियो स्टेटस है, जो गाइस आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड के ऊपर जा रहा है टिकटॉक हो या व्हाट्सएप पे। तो अगर गाइस आप ही चाहते हैं कि आप इस तरीके का जो सा एक खूबसूरत नेमट वीडियो स्टेटस अपने मोबाइल के ऊपर क्रिएट कर सके, तो ये मेरी वीडियो आपके अंत तक लाजमी देखनी होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और आगे बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी डेली की न्यू वीडियो मिलती रहे। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपने जो सा अपना किनेमास्टर है वो ओपन कर लेना है। किनेमास्टर ओपन करने के बाद गाइस आपने जो सी 16.9 की गई जो सी स्क्रीन है वो गाइस आपने ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद गाइस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक वीडियो का लिंक दिया होगा, वो वीडियो जो सी गाइस आपने डाउनलोड करके यहाँ पे ऐड कर लेनी है। तो वीडियो जो सी गाइस मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। ऐड करने के बाद ये जो सी गाइस वीडियो है तकरीबन गाइस कोई 1.5 मिनट की है। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कलर मिल जाएगा बटरफ्लाई वाली वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे गाइस आपको 10 सेकंड बाद जो सा एक कलर है वो गाइस चेंज होगा। तो अगर गाइस आप चाहते हैं कि आप एक ही 10 सेकंड के अंदर 3-4 कलर जो से वो इस्तेमाल में ला सके तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जो से आपने इसकी स्पीड है वो हिसाब आपने इंक्रीज कर लेनी है। चाहे गाइस आप जो से 4x कर ले या 8x कर ले वो गाइस आपकी मर्जी। तो फिलहाल जो से गाइस मैं इसको नॉर्मल ही लेने दूंगा। तो यहाँ से जो से मैं बैक के ऊपर क्लिक करूँगा। अब गाइस आपको यहाँ पे करना है कि यहाँ पे गाइस आपको यूज़ करनी है एक हार्ट बीट की जो सी इमेज है। तो यहाँ पे जो से मैं लेयर ओमिट जाके यहाँ पे जो से एक हार्ट बीट की इमेज है वो गाइस मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो किस इमेज उसमें मैंने यहाँ पे ऐड कर ली है, जिसको गाइस ढूंढने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन गाइस ये ट्रेंड के ऊपर थी तो इस वजह से गाइस मुझे टाइम तो लगा लेकिन मैंने ढूंढ लिया इसको। तो कुछ इस तरीके से गाइस आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है थोड़ा सा ऊपर करके। ऐड करने के बाद गाइस आपने ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से गाइस आपने जो इसकी ड्यूरेशन है वो गाइस आपने एडजस्ट कर लेनी। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं मैंने जो सी इसकी ड्यूरेशन है वो गाइस मैंने 10 सेकंड के करीब कर ली है। तो यहाँ से गाइस मैं इसको डायल कर दूंगा, ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। तब गाइस आपको यहाँ पे ऐड करना है अपना नेम। तो सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे गाइस अगर आप चाहते हैं कि एनिमेटेड यूज़ कर सके इस दिल के ऊपर तो करना क्या होगा, यहाँ पे गाइस आपने इस इमेज वाली लेयर के ऊपर क्लिक करना है, इन एनिमेशन वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है। यहाँ पे गाइस मैं आपको एक एनिमेशन दिखा देता हूँ जो गाइस आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं वाइप राइट वाला जो गाइस एनिमेशन है ये गाइस आपको ऐड कर लेना है। यहाँ से गाइस इसका टाइमर जितना बढ़ाएगी उतनी स्लो से ये गाइस जो है वर्क करेगा। तो फिलहाल जो गाइस इसका मैं 2 सेकंड के करीब रख लेता हूँ, वो गाइस आपकी मर्जी, आप इसको जितना चाहे मर्जी बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद अब गाइस आपने इस वीडियो को प्ले करना है। तो यहाँ से गाइस आप देख सकते हैं जहाँ से गाइस दिल जो सा क्रिएट होना स्टार्ट होता है वहाँ पे गाइस आपने इस वीडियो को रोक लेना है। रोकने के बाद यहाँ पे गाइस आपने अपना नेम यूज़ करना है। तो यहाँ पे गाइस उस समय टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाके अपने नेम का जो सा गाइस पैरा हरूफ है वो गाइस ऐड करूँगा, या गाइस आप किसी और का भी नेम जो सा वो ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल जो सा गाइस मैं एक आर जो सा वो ऐड कर लेता हूँ रैंडमली, और यहाँ से जो से इसका साइज है वो इसमें थोड़ा सा भरा लूँगा। भराने के बाद यहाँ पे आपको जाना है फाउंड वाले ऑप्शन के ऊपर, और यहाँ पे आपने जो सा एक सिंपल सा बोल्ड जो सा फाउंड है वो आपने ऐड कर लेना है। ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से इसमें ओके के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का जो सा ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो साइज जो सा इसमें थोड़ा सा और भरा के यहाँ पे जो सा इस दिल के अंदर इसको पूरी ठीक तरीके से एडजस्ट कर लूँगा, साइज छोटा कर लेता हूँ। तो इस तरीके से इसमें जो सा यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद अब गाइस आपको यहाँ पे यूज़ करना है एक दिल। तो दिल जो सा गाइस आप जो सा चाहे मर्जी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल जो सा गाइस मैं यहाँ पे जो सा दिल ऐड करूँगा वो इसमें करूँगा इमोजी वाले। तो यहाँ पे जो सा मैं ये वाला दिल ऐड कर लेता हूँ और ओके के ऊपर क्लिक कर लूँगा। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे गई जो सा मैं ए वाले ऑप्शन के ऊपर जाऊँगा फाउंड वाले, और यहाँ से गई जो सा मैं इमोजी वाले फाउंड ऐड कर लूँगा। तो मुझे जो सा इस डिस्क्रिप्शन के अंदर ये मैसेज आ रहा होता है कि किनेमास्टर के लिंक कहाँ हैं, तो यहाँ पे गाइस मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक वीडियो प्रोवाइड की हुई है जिसको गाइस आप देख कर पता लगा सकते हैं कि ये जो सा गाइस मैंने किनेमास्टर यूज़ करूँ इसका लिंक कहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया है। तो वीडियो को गाइस देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाके विजिट कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर गाइस ये जो सा मैंने अपना किनेमास्टर है ये गाइस मैंने ऐड किया हुआ है। तो उसके बाद गाइस आप ये देख सकते हैं कि दिल जो सा गाइस पहले पिंक था, अब गाइस रेड आ चुका है बिल्कुल जो सा है आईफोन इमोजी की तरह। तो उसके बाद गाइस जो सा मैं इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा के इसको जो सा गाइस मैं बिल्कुल कोने के ऊपर ऐड कर लूँगा। तो यहाँ से गाइस जो सा मैं इसको कुछ तरीके से यहाँ पर ऐड कर लूँगा, थोड़ा सा आगे करके देखता हूँ मसला आ रहा है। तो इधर यहाँ पर गाइस जो सा मैं इसको बिल्कुल कोने में ऐड कर दूँगा। तो आपने जो सा गाइस अपने हिसाब से इसको ऐड कर लेना है।
तो यहाँ पे किसी से मैंने ऐड कर लिया है, थोड़ा सा और जो सा इसको पीछे की तरफ ले जाता हूँ और शायद छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे किसी आप देख सकते हैं मैंने ऐड कर दिया है, ओके के ऊपर क्लिक करूँगा और इसकी भी जो सी ड्यूरेशन है वो इसमें एंड के ऊपर ले जाऊँगा कुछ इस तरीके से। एंड के ऊपर ले जाने के बाद अब किसी आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे भी गई आप जो है वही जो सा मैंने एनिमेशन यूज़ किया है, इन दोनों के ऊपर गई आपने वही एनिमेशन यूज़ कर लेना है, यानी कि वाइप राइट वाला। तो एनिमेशन जो सके इस दोनों के ऊपर यही ऐड कर लेता हूँ, तो ये इस तरीके से आएगा। ओके के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा इन एनिमेशन के ऊपर जाऊँगा और वाइप राइट वाला जो सके इस एनिमेशन है वो इसमें यहाँ पे ऐड कर लूँगा, ये कुछ इस तरीके से। टाइमर जो कई जो मैं उतना ही रहने दूँगा और ओके के ऊपर क्लिक कर दूँगा। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं आपके सामने होगा गाइस जो सा कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो गाइस आपको यहाँ पे करना है कि यहाँ पे गाइस आपको एक टेक्स्ट जो सा है वो ऐड करना है, जैसे कि आप कह सकते हैं माय लाइफ लाइन या आई मिस यू आई लव यू, कुछ भी गाइस आप जो सा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सा मैं वो टेक्स्ट है वो इसमें यहाँ पे ऐड कर लूँगा, तो शुरू से ही ऐड करूँगा, टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे इसमें लिख लेता हूँ माय लाइफ लाइन। तो गाइस माय लाइफ लाइन जो सा मैंने यहाँ पे लिख लिया है। लिखने के बाद अब किसी आपने यहाँ पे करना है कि यहाँ पे किसी आपने जो है स्टार ऐड कर लेने, स्टार्टिंग में भी और एंड में भी। ओके के ऊपर क्लिक करूँगा, ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे किसी आपने जो है एक फाउंड यूज़ करना है, साइज जो है कि थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और यहाँ पे जो है इसको नीचे की तरफ ऐड कर लूँगा। पहले वीडियो को प्ले कर लेते कि कहाँ पर जो है दिल आ रहा है उस हिसाब से जो है इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है मैं इसको यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पे किसी आपको एक फाउंड यूज़ करना है, तो फाउंड वाले ऑप्शन के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे जो सा मैं अपनी पसंद का जो सा फाउंड है वो इसमें यहाँ पे ऐड कर लूँगा। ओके के ऊपर क्लिक करूँगा, ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का जो सा फाउंड है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे जो सा इमेज के हिसाब से फाउंड जो सा थोड़ा छोटा लग रहा है, तो इसको जो सा मैं कुछ इस तरीके से बढ़ा लूँगा। बढ़ाने के बाद इसको भी जो सा फुल आपने एंड तक कर ले जाना है, कुछ इस तरीके से एंड तक कर ले जाने के बाद ओके के ऊपर क्लिक कर लेना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपकी मर्जी के गीज़ अगर आप स्टार्टिंग में भी गई ये जो सा वाइप राइट वाला जो सा मैंने एनिमेशन यूज़ किया वो गीज़ अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो गीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, वरना अदरवाइज गईज आप इसी तरीके से वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद गीज़ आपने जो सा यहाँ पे करना है कि यहाँ पे गीज़ आपको यूज़ करना है एक साउंड, यानी कि कोई सॉन्ग वगैरह गीज़ आप ऐड कर सकते हैं, वो गीज़ आपकी मर्जी। तो वो गीज़ आपको जो सा एक लास्ट इफेक्ट ऐड करना है, तो यहाँ पे गीज़ आपने जाना है लेयर वाले ऑप्शन के ऊपर। इफेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे गीज़ आपको ऑप्शन आएगा बेसिक इफेक्ट का, तो किसी आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ से किसी आपने ब्लर वाले इफेक्ट को चूज़ करना है और ओके के ऊपर क्लिक करना है। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद इसका गाइस जो आपने साइज़ है वो किसी आपने फुल स्क्रीन के ऊपर कर लेना है कुछ इस तरीके से। करने के बाद अब किसी आपको यहाँ पे जाना होगा थ्री डोर्स वाले ऑप्शन के ऊपर और इसको जो सा किसी आपने सेंड टू बैक के ऊपर आपने अप्लाई कर लेना है कुछ इस तरीके से। और यहाँ से किसी आपने सेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर जाके इसकी जो सा ब्लर स्ट्रेंथ है वो गीज़ अगर आप बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते, वो गीज़ आपकी मर्जी। तो फिलहाल जो सा इसमें इसको दो ही रहने दूंगा और ओके के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको भी जो सा मैं फुल एंड तक ले जाऊँगा कुछ इस तरीके से। एंड तक ले जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो सा नेम आर्ट स्टेटस है वो गाइस क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से गाइस आप जो सा एक खूबसूरत नेम आर्ट वीडियो स्टेटस अपने मोबाइल के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब तक लेते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।